पापा लोग सुपीरियर की तरह होते हैं क्या? कौन लोग? पापा, वो आज वेरोनिका मैम ने ना असेंबली में बताया। नानू? पर नानू तो ऑल मैन है। सुपरहीरोज वो होता है जो सही रास्ते पे चले, जो लोगों की मदद करे और जो लवंस का साथ ना छोड़े। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नो मोर फन, नो मोर मस्ती। पापा बिकेम द सीरियस टाइप। व्हाई? बहुत सारा काम, उनका एम्बिशन। कभी कभी ऐसा होता है रोमी, पीपल ग्रो अप, दे गेट बिजी। कुछ लोगों का न्यूक्लियस ही उनका काम है। बेटा 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 रोमी, इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ, मेरा बेटा आ जा। रोमी, ये जो पापा होते हैं ना, ये कुछ चीज नहीं होते हैं। ट्रायल पीरियड पर सिर्फ चीजें मिलती हैं, जैसे टेबल, चेयर हुई, लैंप शेड हुआ, तेरी साइकिल, फोन हो यार। वैसे भी क्या पापा, पापा पापा इज़ नॉट ऑल दैट कूल। पापा बोलेंगे तो सो जाओ, पापा बोलेंगे तो उठ जाओ, ये मत करो। सबसे बड़ी बात, घर में तुम्हारी नहीं पापा की चलेगी। He is the boss. फूफा जी, कुछ तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। यही तो जॉब है ना, कि तालमेल ना बैठे। हाँ, लेकिन फूफा जी, ये लोग बहुत अजीब हैं, सच में। अरे जिंदगी अजीब है ससुरे। हताश होने की जरूरत नहीं है, काम संपूर्ण करके आना, समझे? निकलो यहाँ से। ना जी, चला तो जाऊंगा मैं, मगर अपनी बात पूरी कह के जाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी होना उसका कुछ हद तक जिम्मेदार मैं भी हूं और आप भी हैं। आई डोंट नीड योर लेक्चर्स। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं। क्या आप नहीं जानती हैं कि आप इस वक्त अपने जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ रही हैं? हम सब अपने लिए अपनी अपनी जगह पर लड़ाइयां लड़ ही रहे हैं। आपको पता है मैंने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है? स्टेट रैंक होल्डर था मैं, और अब क्या कर रहा हूं मैं? ना मेरे पास जॉब है, ना घर है, ना पैसा है। यहां आपके घर में मैं किराए का पापा बन के घूम रहा हूं। थक गया हूं खुद को साबित करते करते। क्या ये एक तरीके की लड़ाई नहीं है? क्या करूं, ना लड़ूं, छोड़ के सब कुछ चला जाऊं? कुछ लड़ाइयां बहुत अनिवार्य होती हैं, और इन लड़ाइयों को जीतने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, और इस भरोसे की नींव बचपन में ही डाल दी जाती है, जब आप छोटे होते हो ना। तुम्हें इन सारे तारों की कहानी पता है ना? सारे तारों की तो नहीं, मगर हर तारे की अपनी कहानी है, ये पता है। आजकल रातों में मुझे नींद नहीं आती है। तुम ख्वाबों में चल कर आओ तो मैं सो जाऊं। खत तो लिख लिए हैं, लेकिन तुम्हारा पता मुझे मालूम नहीं। तुम हौले से आकर बताओ तो मैं सो जाऊं। सुना है मैंने गैरों से कि अपने बहुत करीब होते हैं, तुम बस दूर से ही बुला लो तो मैं सो जाऊं। फूफा जी, आज आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन है तो क्या हुआ? एक महीना समाप्त होता है तो दूसरे महीने का शुभारंभ होता है। पंचांग और प्रकृति दोनों का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन। देख पुत्र जी, सब लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, कोई ना कोई गलती होती है।